नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। मैं ये मेदांता हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ साइकेट्री डिपार्टमेंट में, और आज मैं चाय पे चर्चा करूँगी कि नशा करना क्यों हानिकारक है। ड्रग अब्यूज़, हिंदी में कहेंगे नशा करना, ये एक तरह की बीमारी है जिसमें किसी भी पदार्थ को लेके आप इतने आदी हो जाते हैं कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और उसके वजह से ज़िंदगी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अपने काम वगैरह और फैमिली लाइफ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। नशा करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कितने लोगों को लाइफ में स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है, कुछ लोगों को ख़ानदानी तरह से हेरिडिट्री में मिला होता है, कुछ लोगों को पीयर प्रेशर, अपने आसपास के लोगों की संगत के वजह से भी हो सकता है। ड्रग अब्यूज़ के दो तरह के लक्षण होते हैं। एक होता है कि उसके वजह से दौरे आने के चांसेस होते हैं, बेहोशी के चांसेस होते हैं, ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट के चांस होते हैं, और डेथ भी हो सकती है। दूसरा होता है जो लॉन्ग टर्म में होता है, कि उसकी आदत पड़ने से आप अपने काम नहीं कर पाते हैं, आपको बेचैनी, घबराहट की बीमारी होती है, नींद की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, और आपकी ज़िंदगी इस तरह से नॉर्मल नहीं चल पाती है। इसका इलाज दो तरह से होता है। एक तो पहले इसी को होने ही ना दें, उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करे जाएं। दूसरा, इसका इलाज काउंसलिंग और दवाइयों के थ्रू होता है। जो भी दिक्कतें आ रही हैं, दवाइयों के थ्रू आप उसकी तलब को रोक सकते हैं। ड्रग अब्यूज़ के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। एक है गलत संगत, कुछ खानदानी बीमारियाँ, क्रोनिक स्ट्रेस लाइफ में, बुरा वातावरण मिलना बच्चों को बचपन में। इस लत से बचने के लिए फैमिली सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे बचपन में ही बच्चों को स्कूल के ज़रिए सिखाया जाए कि ये क्यों गलत है। जब आप अपने नियर वंस को देखते हैं कि वो रोज स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डेली लाइफ के साथ, नशा छोड़ नहीं पा रहे हैं, और उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं, तब आप बेशक डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए। आज की चाय के लिए थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रियंका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बट ये याद रखिए, लाइफ में नशे की ज़रूरत नहीं है, नशे के बिना ही लाइफ बहुत रंगीन है। थैंक यू।